Thank you, Boji.

यहाँ पे आप यहाँ पे सकते हैं टोटल और जिसकी वजह से सिस्टम एसलेट कर रहा है तो अगर इसका एसोलेशन ए है तो आप डायरेक्टली सिक्स एम जी अपॉन टेन एम लिख सकते हैं तो वी आर गेटिंग थ्री जी बाई फाइव दिसन ऑफ दिस्टम और ये जो टेंशन है ये इन तीन बॉल्स को पुल कर रही होगी विद द सेम एक्सीलरेशन ए तो वी कैन राइट टेंशन शुड बी इक्वल टू 3 एम ए सो दिस बिकम्स 3 एम मल्टीप्लाइड बाय 3g by 5 तो अगर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें 3 मल्टीप्लाइड बाय मास इज 2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 3 10 5 सो दिस कम्स आउट टू बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 दिस 36 न्यूटन सो आई इट डायरेक्टली आप चाहें तो अलग से इन छह मैसेज को एक सिंगल ब्लॉक बना दीजिए इन तीन को एक सिंगल बना दीजिए इसको एक सिंगल बना दीजिए तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए उससे भी आ जाएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मैंने डायरेक्ट किया एंड आई जस्ट यू टू तो टू बिल्ड तो सेव टाइम इन एग्जामिनेशन किस तरीके से हम डायरेक्टली इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं आइए आगे बढ़ेंगे पौजी क्लियर करें थैंक यू पौजी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का केस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ बट यहाँ पे इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी हम डिस्कस करेंगे

ना अब यहाँ पे चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो इसका डाउनवर्ड एसोलेशन है से हो जाए। However, इस तरह के बहुत रेयर क्वेश्चन आए हैं बट यू नीड टू अंडरस्टैंड थ्योरी में पढ़ा भी होगा यहाँ पे अगर मैं एक केस लेता हूँ केस मॉडिफिकेशन इफ इज ग्रेटर तो इन दैट केस अगर मैं इस एम मास की बॉडी को देखता हूँ तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एम जी और अपवर्ड इस पे इन दिफ्ट देर विलो फोर्स एम ए और क्योंकि एम एम जी से ज्यादा है तो ये कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे एन हो जाएगा जीरो दिस इंपॉर्टेंट अंडरस्टूड अगर एसोलेशन जी से ज्यादा हो जाता है तो आपको यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को जीरो लेना है सो इट विल स्टार्ट गोइंग अप एन इक्वेशन यू कैन राइट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वन दिसन इज इक्वल टू ए माइनस जी सो विद दिस एसोलेशन ये लिफ्ट के अंदर यानी लिफ्ट के रिलेटिव ए वन से ऊपर जाएगा फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेफ्ट की हाइट एच है तो कितनी देर बाद जाके ये सीलिंग पे हिट करेगा फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट के बाद क्या होगी वो सारी चीजें आप एडिशनल निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम कैलकुलेशन यू विल डू बाय स्पीड इक्वेशन इज फॉर टाइम डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेशन और एन हम यूज करते हैं एसोल्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए so इसके आगे का काम आ गया हाइट पता है तो टाइम रूट टू एच एन ए माइनस जी से टाइम आ जाएगा स्पीड आ जाएगी कॉलिजन स्पीड फिर बाउंड कर सकता है बैक एंड फोर्थ कॉलिजन हो सकते हैं क्वेश्चन में कई एनहांसमेंट किए जा सकते हैं सो so आपको सिर्फ बेसिक लॉजिक समझना है व टेकन दिस केस आइए आगे बढ़ेंगे पौजी क्लियर करें थैंक यू पौजी स्टूडेंट्स इन दिस केस विल टॉक अप ऑन सम फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड केसेज और थोड़ा सा डिफरेंट केस है लेकिन <coughs> पुली ब्लॉक सिस्टम या वेज कंस्टेंट्स के लिए दिस वन ऑफ द बेस्ट केस विच वी कैन डिस्कस अपॉन क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इट इन्वॉल्व ऑल द एप्लीकेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑल्सो इट सीज थ्री मासिस एम इक्वल्स टू हंड्रेड के जी टेन के जी एंड ट्वेंटी के जी आर अरेज शोन इन फिगर इट सीज ऑल द सर्फिस आर फ्रिक्शन लेस एंड स्ट्रिंग आर इन एक्सटेंसिबल एंड वेटलेस द पुलिस आर ऑल्सो वेटलेस एंड फ्रिक्शन लेस नॉट इट द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम

और ये भी इसके टच में आ जाएगा तो यहाँ पे देर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन एन थ्री सोफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मासस तो हियर यू कैन सी फॉर एम टू एम टू पर डाउनवर्ड इट वी एम टू जी यानी ट्वेंटी जी अपवर्ड दिस टेंशन टी हियर इट इज टी हियर आल्सो इट इज टी एंड ऑन दिस मास इट इज और इस पे राइट में एक्ट करेगा द्री ड्यू टू विच इट इज मूविंग फॉरवर्ड विद विदोलूशन ए वन एंड दिस गोइंग अपन एसोल्यूशन ए जिसका वैल्यू हमको गिवन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है सो so, आप क्वेश्चन जितना क्विकली रिटेन कर लोगे उतना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सो फॉर दिस मास यू कैन राइट टू इक्वेशन एस टी माइनस ट्वेंटी जी इज इक्वल टू ट्वेंटी ए इज टू यहाँ से टेंशन निकल जाता है दिस इज फोर्टी एंड दिस टू हंड्रेड इज टू फोर्टी न्यूटन और सेकेंड इक्वेशन यू कैन राइट एन थ्री इज इक्वल टू एम ए दैट इज ट्वेंटी ए वन

फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं बड़े ब्लॉक का Uh, sorry, plus N two. This will be acting on this block, and N one would be acting in upward direction. Leftward it is N three plus T, and rightward it is F or downward acting. all the forces are drawn in this for this mass because on this tension kar ga, that will draw on the free body diagram of capital M. It is moving forward with a one. So equation will be F minus T minus N three is equals to hundred a one. एज वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ़ ई वन यहाँ से हमारे पास एन थ्री का वैल्यू आ जाता है वैल्यू ऑफ एन थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी ई वन सो हेयर इट इज़ फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ एन थ्री एफ माइनस टू फोर्टी माइनस फाइव ट्वेंटी इज इक्वल ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड सो द वैल्यू ऑफ एफ वी आर गेटिंग इज ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड प्लस सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी सो दिस कम्स आउट टू बी

द वैल्यू ऑफ फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड सो अब थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो सकता है कि फोर्स का वैल्यू निकालो सो दैट दीस टू ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट यहाँ तो इसका दिया एसोल्यूशन एफ निकाला है अब ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम अगर रेस्ट पे रहेंगे उसके लिए फोर्स पूछा जा सकता है तो फॉर दैट यू कंसिडर ऑल द थ्री मासेज आर मूविंग टुगेदर विद एन एसोल्यूशन ई वन इन दैट पर्टिकुलर केस तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा बट फॉर दट टेंशन हैज भीवल टू एम टू जी क्योंकि ये रेस्ट पे रहना चाहिए इट शुड नॉट बी मूविंग सो विद विद यू कैन मैनेज इट भी पूछा जा सकता है है पास कि अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो 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 फोर्स किस के 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 वैल्यू लिए स्लाइडिंग शुरू होगी तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम के केसेस देखेंगे तो इस तरह की मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक्स आइए आगे बढ़ेंगे पोजी क्लियर करें।

क्वेश्चन को हैंडल करते जाओ पढ़ते हुए ये क्वेश्चन तो हमने सेंस कर लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन है m2 2 m1 है तो एक्सीलरेशन a1 क्या होगा 2 m1 m1 3 m1 g सो दिस गिव्स यू g 3 व्हेन मास m2 इज थ्राइस दैट ऑफ m1 अगर ये 3 m1 हो गया तो एक्सीलरेशन इज a2 तो a2 इज 3 m1 m1 अपॉन 4 m1 सो दिस गिव्स अस 2

ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पढ़ते पढ़ते विद इन ट्वेंटी सेकंड से कम में सॉल्व करके आप टाइम बचाओ ताकि ज्यादातर केसेस के लिए आप टाइम सेव कर सको और बाकी चीजों पर अटैक कर सको अगर आपने इस क्वेश्चन को मान के बहुत आराम से किया कि ये तो गलत होने वाला ही नहीं है तो आप क्वेश्चन के मार्क्स तो लूज नहीं करोगे लेकिन एग्जाम में टाइम लूज कर दोगे और टाइम की वैल्यू मार्क्स से कई गुना ज्यादा होती है उस टाइम के अंदर आप दो या तीन क्वेश्चन एडिशनल सॉल्व करके डबल मार्क्स भी अटेन कर सकते थे दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर आइए आगे बढ़ते हैं अपकमिंग एपिसोड्स में और न्यूटन लॉज के कई केसेस लेंगे लंबा चैप्टर है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी इनिशियली मैं सारे केसेस ले लूंगा बट काफी केसेस मैं इसलिए ले लू ताकि आपका एग्जाम कॉन्फिडेंस बढ़े बट इस सीरीज को हम कंप्लीट करके भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेज यहाँ पे हम एडॉन कर सकें आइए आगे बढ़ेंगे यू ऑल द बेस्ट